लोकसभा का बजट सत्र जारी है। पक्ष और विपक्ष की ओर से बजट पर चर्चा के दौरान एक दूसरे पर जमकर हमले हो रहे हैं। बीते दिन बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के भाषण पर जमकर पलटवार किया। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और विपक्ष के दूसरे नेता लगातार जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर संसद में भारी हंगामा हुआ। लोकसभा में बजट पर जारी चर्चा के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर से लोकसभा सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर बिना टिप्पणी कर दी, जिस पर विवाद हो गया। राहुल गांधी ने बजट हलवे के जरिए सरकार पर निशाना साधा था और कहा था कि इसमें कोई दलित अधिकारी नहीं है। इस पर तंज कसते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल जी, हलवा मीठा था या फीका, कुछ लोग ओबीसी की बात करते हैं, इनके लिए ओबीसी का मतलब है ओनली फॉर इन लॉ कमीशन। जिस पार्टी ने अपने ही पार्टी के अध्यक्ष को धोती खींचकर बाहर निकाल दिया हो, जो एक पिछड़े समाज से आते थे, उनके शहजादे हमें ज्ञान बांट रहे हैं। ओबीसी की बात जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जिसके बाद लोकसभा में जमकर हंगामा देखने को मिला। वही अनुराग ठाकुर के हमले के बाद राहुल गांधी ने कहा कि आप लोग मेरा जितना अपमान करना चाहते हैं खुशी से करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जातिगत जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। जो भी देश में दलित की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है उसको गालियां मिलती हैं, मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा। महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मछली की आँख दिख रही थी, मुझे भी सिर्फ मछली की आंख दिख रही है। हम जातिगत जनगणना करवा के दिखाएंगे। अनुराग ठाकुर जी, मुझे गाली दी है, अनुराग जी ने मेरा अपमान किया है, मगर मुझे अनुराग ठाकुर से कोई माफ़ी नहीं चाहिए। मैं लड़ाई लड़ूंगा, जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे माफ़ी नहीं मंगवाऊंगा, मुझे आपकी माफ़ी नहीं चाहिए। अनुराग ठाकुर जी ने मुझ पर गाली दी है। नहीं, कोई नहीं। मुझे अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं, मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगू, मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। राहुल गांधी जी, मैं चेयर पे हूँ और चेयर का काम है कि अगर कहीं भी कोई असंसदी या किसी को गाली दी गई तो मैं उसको देखूंगा, मैं उसको कार्रवाई निकालूंगा, उसको निकलवाऊंगा। वहीं इस पर कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनेद ने भी अनुराग ठाकुर के बयान को लेकर हमलावर नजर आए। उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर को राहुल गांधी की जाति जाननी है तो वो खुद जाकर लोगों से पूछ सकते हैं, और क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आप भी सुनिए। अनुराग, गोली मारो ठाकुर जी, मैं आपकी जात जानने में तनिक भर भी इच्छुक नहीं, लेकिन आप बार बार अपना चरित्र पूरी दुनिया को, पूरे देश को दिखाते रहते हैं। दिल्ली में भड़काऊ दंगे हुए और उसके दौरान आपने मंच से गोली मारने के नारे लगवाए। आप वही अनुराग ठाकुर हैं जिसने आज सदन में मर्यादा की हर सीमा लांघ दी। आप वही अनुराग गोली मारो ठाकुर हैं जिसके पास जब कहने को कुछ नहीं बचता, और वैसे भी आपके पास कहने को कभी कुछ औचित्य वाला होता ही नहीं है, तो आप औनी पौनी बेफिजूल की बातें, भड़काऊ भाषण, नफरती एजेंडा चलाने लगते हैं, और आज आपने वही सदन में भी किया, वरना आपकी उपयोगिता ही क्या है आपकी पार्टी में? आपने ऐसा कौन सा राजनीतिक कीर्तिमान स्थापित किया है? यही ट्रोल बने रहना, यही अपशब्द बोलना, यही मर्यादा को लांघना तो आपकी पहचान है।